नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की, पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जो आपकी कक्षा छठवीं की बुक्स है उसी के बारे में। तो इसमें हम लोग एक चैप्टर खत्म कर चुके थे, कौन सा था वो? वो था आपका सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, इसमें बात करने वाले हैं हम लोग ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, फिर से याद रखिए, ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है हमें। एक बार नॉर्मल सुन लेना लेक्चर या फिर कोई चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद दूसरी बार अगर आपको समझ में ना आए तब दिमाग लगाना, ठीक है? लेकिन आप जैसे ही एक दो बार देखेंगे आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में समझाई गई है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, या उत्तर उत्तर दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक पृथ्वी रूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब होते हैं, तथा तो गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। जब कुम्हार घड़ा बनाता है ना तो घुमाता है ना अपना पहिया उसी पर रखकर, तो उसी तरह ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। क्या बता रहा है? आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनमें जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। वो क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाले सलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। जैसे देख रही है आपकी, यह है आपकी विषुवत रेखा, पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांट देती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिण वाले भाग आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे लाइन है, इस तरफ आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, इस तरफ दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, आपकी विषुवत रेखा। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये जो है आपकी 0 डिग्री अंश को दर्शाती है।
चूंकि विषुवत वृत्त से जो विषुवत रेखा है या वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का एक चौथाई है तथा इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी कि दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के उस साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर ओ या दक्षिण को शॉर्टकट में दाक्षा से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश पर 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो होरिजोंटल विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में। यानी कि आपका इसमें मान लीजिए यहाँ 20 डिग्री है आपका, तो यहाँ है आपका ये महाराष्ट्र में चंद्रपुर और इस तरफ आपका 20 डिग्री यहाँ होगा, यहाँ है आपका होरिजोंटे बेलो होरिजोंटे ये दक्षिण अमेरिका का शहर। ठीक, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। ये आपका उत्तरी अक्षांश में है, ये आपका दक्षिणी अक्षांश में है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर आपका पता है आपको कि अगर विषुवत रेखा से इस तरफ है तो आपको उत्तरी अक्षांश लगाना अनिवार्य है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इस तरफ अगर मकर विषुवत रेखा से दक्षिणी की ओर है तो दक्षिण में यहाँ लगाना पड़ेगा आपको 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपकी दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, दक्षिणी शीत कटिबंध है ये आपका, ये शीतोष्ण कटिबंध है, ये आपकी मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये आपकी है मकर रेखा, आपकी ये विषुवत रेखा हो गई, ये आपकी कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है। ठीक है, आपका उत्तरी ध्रुव शीत उत्तरी शीत कटिबंध है, ये आपका दक्षिणी शीत कटिबंध है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा है विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण की। अतिरिक्त चार महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं, कौन सी है? ये आपकी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 60 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षेत्र से
ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक, देख लीजिए एक बार मैम ने, ये आपका दक्षिणी शीत कटिबंध है, ये आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, ये आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है, ये उत्तरी शीत कटिबंध है। ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं हम लोग देशांतर, क्या देखेंगे देशांतर, ये है आपकी देशांतर। ठीक, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है, उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखा को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, यह है आपकी देशांतर रेखा। ठीक है, उनके बीच की दूरी को देशांतरों देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को याद रखिए, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। वे अर्धवृत्त हैं, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतर या मूत्र आपस में मिलती हैं। कहां? ध्रुवों पर। फिर से याद देख लीजिए, ये आपकी यह मिल रही है ध्रुवों पर। देखिए सभा के 30 डिग्री पूर्वी हो, फिर चाहे 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 120 हो, ये सभी आकर यहाँ मिल रही हैं। इस तरफ से पश्चिमी डिग्री की सभी आके मिल रही हैं। ठीक है, अक्षांश समांतर में रेखाओं में भिन्न सभी देशांतर यमुत्रों की लंबाई समान होती, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वैधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमुत्र से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमुत्र को फिरमुख यमुत्र माना गया है। क्या? फिरमुख यमुत्र माना गया। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्वी पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। फिरमुख यमुत्र तथा 180 यमुत्र मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षांश अक्षर पू और पश्चिम के लिए अक्षर पा व्यक्त करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 पश्चिम यमुत्र एक ही रेखा पर स्थित हैं। सुनिए, 180 पूर्वी और 180 पश्चिम यमुत्र जो देशांतर है वो एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब दिलों पर अक्षांश रेखाएं देशांतरीय यमुत्र के द्वारा बनी गेट को देखें, ये आपकी। ठीक, दिख रहे, ये 0 डिग्री यमुत्र है। ठीक, और ये आपकी विषुवत वृत्त रेखा है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम, असम में धुबरी, क्या है धुबरी, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये बिंदु धुबरी की सही स्थिति पता करेंगे। अब जैसे आपकी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी है, यहां होगी आपकी ऊपर, कहां होगी, यहां होगी आपकी, ये आपकी यहां लगभग ये आपकी, क्योंकि 90 डिग्री देशांतर है पूर्वी देशांतर, और ये आपकी 26 डिग्री यहां से जाएगी लगभग, तो यहां होगा आपका असम।
अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं देख ही लिया हम लोगों ने। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचें। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा घा डा ना अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचे खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आवा सा तथा धा नामों से व्यक्त करें। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाओं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं। ठीक है, जैसे हमारा भारत हो तो हमारा भारत है उत्तरी पूर्व गोलार्ध में, इस गोलार्ध में आपका स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये है आपका पृथ्वी का एक बार मानचित्र देख लीजिए। जैसे ये आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दिख रही, देखने का कोशिश कीजिए। ये आपका प्रशांत महासागर हुआ, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, ये आपका ग्रीनलैंड और ये आपका इंग्लैंड। ठीक है, और ये हिंद महासागर, ये आपका भारत है, चीन है, रूस है ऊपर, ये ऑस्ट्रेलिया है प्रशांत महासागर ऊपर। ये आपकी ग्रीन बीच जाती है इंग्लैंड से ऊपर यहाँ से। ठीक है, अगर आप इस तरफ बढ़ते हैं इंडिया तरफ, एशिया तरफ, तो आप आगे बढ़ेंगे समय में, और पीछे इस तरफ अगर आप जाते हैं तो पीछे बढ़ेंगे, पीछे टाइम जाएगी, टाइमिंग। ठीक, अगर इस तरफ बढ़ रहे हैं तो 12 से, जैसे 12 बजा हुआ है यहाँ इंग्लैंड में ग्रीन बीच पर। ठीक है, तो इस तरफ जाओगे तो 1 बजेगा और इस तरफ जाओगे तो 11 बजेगा। ठीक है, भारत आपका, भारत का समय ग्रीन बीच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, ये है आपका। अगर आप इस तिथि रेखा से इस तरफ जाएंगे तो जैसे यहाँ अगर सोमवार है तो इस तरफ जाओगे तो मंगल, और इस तरफ जाओगे तो रविवार होगा, अमेरिका की तरफ रविवार होगा और अपने तरफ मंगल हो जाएगा। देशांतर और समय, समय को मापते समय का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी एवं चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्र पर सूर्य किस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्र पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी आपकी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः इस स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, उस उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। आप लोगों ने देखा है, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधियों से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360, कितना, 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री। 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होता है, यानी कि 15 × 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहां सुबह के 11 बज रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 मध्य रात्रि होगी। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाई गई समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्र पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। याद रखना है आपको, जैसे आपका 23 डिग्री है तो 23 डिग्री देशांतर, तो 1 डिग्री आपका, जो 1 डिग्री होता है 4 मिनट के बराबर होता है। अगर आप 1 डिग्री आगे बढ़ गए तो आप 4 मिनट आगे बढ़ गए। ठीक है,
अगर 15 डिग्री आप आगे बढ़ गए तो 1 घंटा आगे बढ़ गए, ठीक है। तो 1 4 मिनट में आपका 1 डिग्री के बराबर होता है। अलग अलग यामूत्र पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारिणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य में भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामूत्र के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामूत्र रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामूत्र माना गया है। इस यामूत्र के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि आपकी इलाहाबाद के पास से नैनी से गुजरती है। यहां से देखिए, यह आपकी 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है। कभी कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो वे लोग आज राति में नहीं सो पाएंगे। भारत और तो इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय में से 5 घंटे 30 मिनट आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब तो भारत में शाम के 7:30 मिनट होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय रेखाएं निर्धारण की गई। उदाहरण के लिए रूस के पास 11 मानक समय रेखाएं। रूस ने कितनी मानक समय रेखाओं को अपनाया? 11 को। पृथ्वी को 1 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। याद रखिए, भारत में भी चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो मांग उठा रहे हैं कि 2 रेखाएं होनी चाहिए, ठीक। तो अभी चुनाव में जब भी चुनाव आते हैं तब ये उठता है सवाल। तो ये था हमारा इसके, अब देख लेना कुछ इसके अभ्यास के क्वेश्चन हैं। ये सभी लगा लेना। तो ये था हमारा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की गतियां।